गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जा रहे हैं दक्षिणेश्वर घूमने के लिए। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ जाएंगे, वहाँ से जाएंगे मेट्रो गली कोलकाता। एक बड़ी चीज़ खरीदनी है, अभी सीढ़ी से उतर रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं ऑटो से या किससे जाते हैं। जय गुरु। गुरुधाम के बिल्कुल सामने सुबह सुबह की मार्केट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी है ये। जा रहे अभी घूमने, चलिए चलते अंदर जाएंगे। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, तो बाहर ही ऑफ कर देते। दक्षिणेश्वर मेट्रो रेलवे स्टेशन पहुंच गया, अभी दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे, घूमेंगे और मजे करेंगे, माँ का दर्शन करना है भाई, आशीर्वाद लेना है बहुत सारा उनसे। और क्या, रानी राशनी स्काई वॉक इस जगह का नाम है। दक्षिणेश्वर टेम्पल, गेट 1 and 2, बाली रोड, गेट नंबर 9। हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल, तो लोगों की भीड़ देखो यार, माँ के दर्शन करने के लिए, क्या बात है। हम भी जल्दी है, घूम के हो गया। अभी हम जा रहे हैं फेरी से बेलूर मठ।
बेलूर मठ, खूबसूरत दुकानें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं भाई। हाँ, बेलूर मठ उठा चुके हैं, वो रहा वे टू बेलूर मठ, सबको जाना पड़ेगा। तो नहीं अंदर कैमरा लौटे तो दक्षिणेश्वर में तो नहीं है, नहीं यहाँ पे होगा या नहीं। आनंद भवन गेस्ट हाउस देखते हैं, अगर होगा तो दिखाऊंगा, वरना तो बाहर से संतुष्ट करना पड़ेगा। बंद हो गया, गेट अपना बंद था तो उससे दिखाने की कोशिश की। बाहर से देख लो भाई, अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, वैसे भी अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, बंद है, तो बाहर से देख लो भाई। ऐसा ही है, खूबसूरत रामकृष्ण मिशन पल्ली मंगल शोरूम विलेज हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट, गली है, बार बार से जितना देख पाएंगे उतना ही देखेंगे और क्या। आने में लेट कर दिया, बेलूर मठ बंद हो गया है अभी। हाँ, अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है कि रुक के देख के जाए, जितना देखा है उतना ही। धूप में पूरी हालत ख़राब है भाई, पूरी हालत ख़राब है। चलते हुए वापस जाएंगे दक्षिणेश्वर, वहाँ से मेट्रो करके जाएंगे हम धर्मतला, धर्मतला से हम जाएंगे मेट्रो गली, वहाँ पे मुझे चीज़ खरीदनी है, बस वो खरीद के सीधा हम चले जाएंगे अपने गुरुधाम वापस, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। कल सुबह शायद 5:15 या 6:15 को हमारा एक ट्रेन है जो यहाँ से जाएगा मेरे ख्याल से अपने पुपुन की आश्रम, वो कौन सी जगह है मैं पूछ के बोलूँगा वीडियो में कि वो कौन सी जगह है। तो जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं सुबह, उसका नाम है ब्लैक डायमंड। तो भाई जर्नी खत्म हो गई, रेस्ट की, पुन की जाके 5 दिन वहाँ पर रहूँगा तो लोगों को दिखाऊँगा। तो हम वापस आ चुके हैं घर, मतलब रूम पे गुरुधाम। भाई वीडियो बनाने का ना तो मौका मिला और ना ही मेरे पास इतना हौसला था कि मैं वीडियो बना सकूं। जो चीज़ खरीदना था वो खरीद लिया, बहुत महंगा पड़ा, आपको दिखाऊंगा वीडियो में मैंने क्या लिया। एक ड्रीम था वो पूरा हुआ भाई, थक गया हूँ, अभी फ्रेश होता हूँ, कुछ खाता हूँ, बहुत भूख लगी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कि मैंने क्या ख़रीदा, उसके बाद शायद आज के दिन का ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगा, देखते हैं। तो मैंने जो चीज़ बोली थी कि आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने क्या ख़रीदा है मेट्रो गली से कोलकाता से, जो मेरे को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन एक ड्रीम था वो ख़रीदने का, वो है ये। आज उल्टा करके दिखा रहा हूँ, ये है Z5 अपना, उल्टा नहीं सीधा था अपना ये। हाँ, तो ये था कैमरा Z5, निकॉन Z5 जो मैंने ख़रीदा है।
क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, वेडिंग फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मॉडलिंग वगैरह शूट वगैरह करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कैमरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इतना पैसा था नहीं कि Z6 वगैरह ले सकूँ, तो कैनन में इतना इंटरेस्ट मुझे है नहीं, तो निकॉन का ही ले लिया। अभी बिगिनर में आ रहा है Z5, उसके साथ मैंने सिर्फ ये नहीं ख़रीदा, उसके साथ मैंने ख़रीदा है एक 85mm का लेंस, प्राइम लेंस, और उसके साथ इसका जो किट आता है वो 24 और 70mm का है, तो मैंने वो लिया, उसके साथ फ्लैश वगैरह लिया, ट्रिगर वगैरह लिया, बहुत सारी चीज़ें ली, तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा मेरे को पड़ गया उसका। तो आपको किसी को लेना है तो मेट्रो के लिए चले जाओ भाई, कहीं से भी आपको, मतलब कहीं, और जैसे मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा जितना रेट है इसके बॉडी का, मेट्रो के लिए मैं इससे मुझे करीब करीब 10,000 रुपये डिस्काउंट मिला, मतलब 10,000 रुपये मुझे कम में मिल गया मेट्रो गली में। तो वहाँ जाके आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे तब जाके आपको कम मिलेगी, वरना वो लोग कम नहीं करते, जितना बोलते उतना देना पड़ता है। मैंने बहुत बार्गेनिंग की, कम से कम 10 से 20 दुकानें मैंने छान डाली वहाँ पे, उसके बाद एक दुकान में जाके मैंने फाइनल इसको ले लिया। मतलब बहुत ज़्यादा दिल से खुश है, घर जाएंगे जब वहाँ पे जाके वेडिंग शूट करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग्स के वीडियो के साथ साथ मैं वेडिंग ब्लॉग्स का वीडियो डालूँ, वेडिंग वीडियो, मतलब हम लोग कैसे काम करते हैं, कितने जन हैं मैं हमारे टीम में, कैसे हम लोग जाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं डेली जो यूज़ करता हूँ जैसे करता हूँ वो दिखाऊँगा। और इस कैमरा की रिजल्ट्स मैं अभी तो नहीं दे पाऊँगा, जब घर जाऊँगा किसी वीडियो में उसमें मैं इसके साथ मैंने जैसे फ़ोटो खींचा है, मैंने पोपन की जाके वहाँ पे आश्रम में जाके मैंने खींचा है, तो कुछ मेरे पास सैंपल्स हैं वो मैं डाल दूँगा वीडियो में, आप लोग देख लेना। और जितने भी फ़ोटो मैंने खींचे हैं वो 24 और 70 वाला जो किट लेंस है उसके साथ मैंने ख़रीदा, तो यही था दिखाने की। और कैमरा इसके अंदर अभी है नहीं, मैंने खोल के उसको रखा है, चार्ज में लगा दिया, तो बैटरी वगैरह चार्ज करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो भाई बहुत दिल से खुश हूँ, ठीक है, होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। इसका एंडिंग शायद इसी पार्ट में कर दूँगा या दूसरे पार्ट को शूट करके बोलूँगा कि लाइक कमेंट शेयर करो, पता नहीं, लेकिन हाँ यही गिफ्ट है भाई, और सपोर्ट करते रहिए, बस यही बोलूँगा। ओके बाय।